ऐसे हालात में मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। दादी, मेरी आत्मा यूं ही कलपती रहेगी कि मैंने मेरे पोते का घर बसते हुए नहीं देखा। दाद, बेटा, अपनी दादी की आकांक्षा भर लो। शादी कर लो। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, प्लीज मर जाओ, प्लीज तुम हाँ बोल दो, प्लीज शादी के लिए मान जाओ। माँ जी, आप नाहर को थोड़ा टाइम दीजिए और कुछ नहीं होगा आपको। आप ऐसे जाने की बात मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। समय जमा जी की दवाई लेकर। दादी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? हाँ जी, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है और वो चाहती है कि उनकी आंखों के सामने नाहर जी की दूसरी शादी हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो मैं क्या करूं। मुझे लगता है मुझे अब सबके सामने आना ही पड़ेगा ताकि मैं नाहर जी की शादी रोक पाऊं और दादी जी की सेवा कर पाऊं। इन सबसे पहले अग्नि तुझे जेल भेज देगी, उसका सच सामने आते आते रह जाएगा। रुहे सुन, ये वक्त बिल्कुल भी भावनाओं में बहकर पीछे हटने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर अग्नि का सच सामने लाने का है। समझ रही है? मुझे पूरा यकीन है अग्नि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगी, तुझे बस उस पर नजर रखनी है। से बचने के लिए मंत्र देख लेती हूँ। वो पापा तो किसी काम का निकला नहीं और नाहर भी शादी के लिए नहीं मान रहा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। इसमें लिखा है कि जब तक मृतक की बॉडी या उसके कंकाल को जलाया ना जाए तब तक दिव्यांगत की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो ऐसे ही भटकती रहती है। आज रात ही मौका देखकर मैं रूही के कंकाल को जला दूंगी, वरना वो मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनको खून की बीमारी है और इनके पास बहुत ही कम समय बचा है। दादी की आकांक्षा भर लो, शादी कर लो। Thank you.
आदित्य जी को एक बार देखना होगा। मम्मी कहती थी कि ये जड़ी बूटी किसी भी बीमार इंसान के आसपास रखो तो उसे आराम मिलता है, इसकी सुगंध से मन को शांति मिलती है। ये आदित्य जी के पास जाकर रख देती हूँ। सॉरी वो अरे मैं अभी किसी से तो टकराया था, कौन था? ये बिछिया तो रूही का है, ये यहाँ कैसे? हे भगवान, मेरा बिछिया नारजी के हाथ में क्या? अब तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और मैं भी किसी से तो टकराया था, कौन था? कहीं अग्नि या अवनि ने तो नहीं पहना था? मुझे पता लगाना होगा। बहुत सतर्क रहना होगा। दादी, माँ, दादी, माँ जी, क्या हुआ दादी? रूही, रूही, आपको क्या हो गया? बार बार रूही का नाम क्यों ले रही हैं? रूही दिया, मैंने रूही को देखा। कहीं रूही का भूत अब दादी को भी तो नहीं दिखने लगा? आपने सच में रूही को देखा? यही मेरे पास थी। अजी, आपका वहम होगा या आपने कोई सपना देखा होगा? अजी, देखिए ना, आपके नाक से फिर से खून बह रहा है। मैंने रूही को देखा। छोटी माँ, अगर दादी कह रही हैं कि रूही यही कहीं है तो हो सकता है रूही सच में यही कहीं हो, है ना पापा? ना बेटा, माँ की तो तबीयत खराब है इसलिए उनका वहम होगा। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो उनके साथ? माँ देखो, यहाँ पर कोई नहीं था, आप आराम कीजिए। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। सपना? इतना सच जैसा
मैं दादी के साथ रुकती हूँ। दादी को दवाई वगैरह देती हूँ, आप लोग जाइए रेस्ट करिए। एंड दादी डोंट वरी, मैं हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये लो दा, पानी पियो। ना बेटा, चलो बाहर चलते हैं और डॉक्टर से बात कर लेते हैं। कैमरा ऑन करके देख लेते हैं ये अग्नि क्या कर रही है। ये है दादी की मेडिकल रिपोर्ट्स। क्या हुआ? ये कैसे हुआ माँ जी? कैसा हुआ? एक मिनट, ये देखिए। थोड़ा पानी पी लो। मम खून, पहले माँ जी की नाक से खून निकल रहा था बेटा, अभी मुंह से खून निकल रहा है। उस दिन वार्ड बॉय जब ये रिपोर्ट लेकर आया था तब मैंने दादी की रिपोर्ट्स बदल दी थी। जी वकील अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पिंकू से साइन करवा लूंगी। हाँ श्योर, ओके। है मलिष्का जी, ये पिंकू से कौन से कागज पर दस्तखत करवाने की बात कर रही हैं आप? एक्चुअली आंटी, आपको तो पता है ना कि मेरे बहुत सारे बिजनेस और प्रॉपर्टीज हैं। हाँ मलिष्का जी, तो क्या हुआ आपको अपनी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी संभालने के लिए मेरे पिंकू की मदद चाहिए? मदद? नो, मदद नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरी कंपनी पार्टनरशिप में है ना, तो आगे चलकर प्रॉपर्टीज और कंपनी को लेकर झगड़ा ना हो, इसीलिए एक एग्रीमेंट साइन करवाना है पिंकू से। उस एग्रीमेंट के मुताबिक मेरी किसी भी कंपनी और प्रॉपर्टी पे उनका और उनके परिवार के किसी भी इंसान का कोई हक नहीं होगा। अरे तुम ये क्या कर रही हैं आप? पूरा नाश्ता बर्बाद हो जाता। गलती से हो गया है। मलिष्का जी, मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसे पिंकू से सब दस्तखत करवाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं आपकी जायदाद से, आपके रुपए पैसे से बोला क्या लेना देना, जाने दीजिए ये सब। देखिए सच कहूँ ना, मुझे तो बस आप इस घर में एक
बहू के रूप में जाएगी। आखिर पैसा रुपया ये सब मोह माया। एक्चुअली आंटी वो देखिए ये सारे कानूनी चीजें हैं। हाँ। जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। मलिशा जी आप पेपर्स दे दीजिएगा, पिंकू साइन कर देगा। पिंकू बेटा साइन कर देना। जी दादू मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं वकील से एक बार चेक करा लूं फिर आपसे साइन करवा दूंगी। मुझे सुंदर के साथ साथ अमीर बहू भी चाहिए। मलिश्का की सिर्फ सुंदरता का क्या मैं अचार डालूंगी? मुझे कैसे भी करके इस अग्रीमेंट को रोकना होगा। पापा मुझे लगता है हमें सेकेंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर मेहरा से बात करनी चाहिए। मैं एक बार उन्हें कॉल करता हूँ, फिर हम दादी को लेके दोबारा चेकअप भी करवा लेंगे वहाँ पे। भैया वैसे तो जयपुर में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट अगर आपको लगता है कि दिल्ली जाके कुछ हो सकता है तो आप जरूर जाइए। अभी तो मैंने दादी को जैसे तैसे करके सुला दिया है, मगर दादी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं दादी को कुछ हो ना जाए। ना बेटा अग्नि बिल्कुल ठीक कह रही है, माँ जी की तबीयत खराब तो हो रही है, तभी तो आज माँ जी को अचानक रूही दिखने लगी। हाँ आंटी मैंने भी पढ़ा था कि इंसान का जब आखिरी समय चलता है तो उसको पुरानी यादें जिंदा तस्वीर की तरह दिखाई देती हैं। तभी तो आज उनको रूही दिखाई दी। हे खाटू जी महाराज माँ जी को ठीक कर दीजिए। सब हॉल में बैठे हुए अभी बिल्कुल सही मौका है। मैं बाहर जाकर अग्नि के फाड़े हुए पेपर्स देख लेती हूँ, पर बाहर जाऊं कैसे? कमला ये कैसी टंकी है और कहाँ लेकर जा रही हो? मेम साहब ये छत पे पुरानी टंकी पड़ी हुई थी और ये इसमें छेद हो गए, खराब हो गई, तो कबाड़ वाले को देने जा रही हूँ बाहर। ठीक है ले जाओ। ना बेटा तू ऐसे कर, तू दिल्ली हॉस्पिटल में ना फोन कर, हम लोग माँ को दिल्ली लेके चलते हैं। जी पापा मैं अभी बात करता हूँ, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। नाहर सामने दिखती मुसीबत को नजरअंदाज करके वो कारण क्यों ढूंढ रहे हो जो शायद है ही नहीं। सोनी जी आप क्या कहना चाहते हैं? रतन जी मैं ये कहना चाहती हूँ माँ जी की बीमारी की जड़ नाहर की फिक्र है। छोटी माँ नाहर बेटा जीत छोड़ो, किसी और के लिए ना सही पर माँ जी के लिए मान जाओ। बेटा दूसरी शादी के लिए हाँ कर दो। छोटी माँ पहले हम दादी को डेली ले चलते हैं, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। देखिए जल्दबाजी में कोई फैसला करना सही नहीं होगा। नहार अभी इसे यहीं छोड़ देती हूँ। रिपोर्ट्स लग रही है। हे भगवान कहीं इसका इंक फैल ना जाए, इनको जल्दी से सुखाना होगा। क्या करूं? ड्रायर में भी नहीं सुखा सकती क्योंकि आवाज पूरे परिवार वालों को जाएगी। एक काम करती हूँ लालटेन से सुखा देती हूँ।
के मेडिकल रिपोर्ट्स के जैसे लग रहे थे। पर इसमें ऐसा क्या था जो अग्नि ने इसे फाड़ दिया? इस रिपोर्ट्स के हिसाब से तो दादी को विटामिन्स की कमी नहीं है और हेमोग्लोबिन और कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल ठीक है। पर दादी जी को बीमारी किस चीज की है? पर इसमें से अभी भी कुछ टुकड़े गायब है। इस पर तो पूरा इंक फैल गया है, कुछ कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें 2-3 मेडिकल टर्म्स ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे, पर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अग्नि ने ये रिपोर्ट्स फाड़ दी हैं। मुझे नारसी को बताना होगा, पर मैं उनको कैसे बताऊं? मैं तो उनको कॉल भी नहीं कर सकती।